हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दिति में। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी सब्जेक्ट और आज हमारा दिन है चैप्टर नंबर 3 का। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का क्या नाम है? पृथ्वी की गतियां। तो जब भी हम इस पृथ्वी की गतियां के अंदर हमारा जो काम है वो क्या है, एक तो हम इसका घूर्णन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक परिक्रमण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में, और इससे संबंधित जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? और ये कुछ चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आपको काफी दिक्कत कम हो जाएंगी आगे के टॉपिक्स को समझने में। तो ये जरूरी है कि आपको इसको अच्छे से समझना है और करना भी है। देखो, जिंदगी में अगर लाइफ में सफल होना है तो एक बात आप बहुत अच्छे से सोच लीजिए कि हमें दो चीजें डिसाइड करनी है, एक तो क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। और जब भी अक्सर हम लोग क्या करते हैं, असफल होने के एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है कि 99% लोग जो असफल होते हैं उनका एक ही पैटर्न होता है असफलता का, और वो क्या है, जब हमें कोई चीज छोड़नी होती है, हमें कोई गलती छोड़नी होती है, हम क्या करते हैं, हम ये कर सोचते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, और उस नहीं नहीं करके हम उस चीज का पूरी समय जाप करते रहते हैं, है ना? हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में, और वो हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है वो कमी, जिसको हम कभी निकाल ही नहीं पाते। तो अगर लाइफ में आप पहली बात तो ये गोल डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, फिर जो चीज़ नहीं करनी है ना उस चीज़ को हमेशा के लिए सोचना ही बंद कर दीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं करना है, आपको क्या सोचना है कि मुझे ये करना है, और इस करने पे आप इतना ध्यान दीजिए कि नहीं वाला जो हिस्सा है वो आ ही ना पाए। और जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन आप सफल निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस नहीं शब्द को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए और जो नहीं करना है उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। और सबसे मेन बात, नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है वाली जो फिलॉसफी है ना, उसको सीरियसली अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अगर आपने कर दिया ना तो आप उन 1% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो आराम से सफल हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं यार ये तो भाग्य लिखा के लेके आया है, इसको तो अपने आप मिल गया पता नहीं कैसे। वो अपने आप नहीं होता है, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है, इस वजह से वो सफल हो जाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं कैसे हो गया। चलिए, तो पृथ्वी की गतियों से स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। तो हम बात कर रहे थे घूर्णन काल के बारे में और परिक्रमण काल के बारे में। तो घूर्णन काल और परिक्रमण काल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। घूर्णन काल क्या था, मान लीजिए ये आपका क्या था, एक सेव था, याद होगा आपको। और इस सेव के बीच में हमने क्या डाला था, इस सेव के बीच में हमने एक लाइन डाली थी और उस लाइन को कहा था कि ये इसके अक्ष पे है। अब ये सेव है, इसके चारों तरफ घूमता रहे, ऐसे ऐसे हमने गोल गोल राउंड अप घुमा दिया इसको ऐसे, तो ये क्या हुआ, इसके अपने अक्ष पर घूमना हुआ, है ना? और इसी को हमने क्या कहा था, घूर्णन काल। और ऐसा ही प्लेनेट्स और सब प्लेनेट इवन स्टार्स भी अपने घूर्णन काल करते हैं, और जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, उसका रिजल्टेंट जैसे हमारी पृथ्वी के घूर्णन काल की वजह से हमारे यहाँ पे दिन रात। फिर परिक्रमा क्या है, तो जब एक स्टार, जैसे हम स्टार की हमारी पृथ्वी की बात करें तो आपका स्टार बीच में है और आपकी पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, तो जब ये जो परिक्रमा कर रही है इसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, है ना? और ये जो परिक्रमा करने में जो समय कितना लगाती है, 365 दिन का समय लगाती है, और इसको हमने क्या कहा, एक वर्ष के नाम से हम इसको जानते हैं। तो एक वर्ष में आपकी पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूर्य का, लेकिन घूर्णन काल की बात करें तो वो आपके 24 घंटे में पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। और आपके परिक्रमण काल की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी के बारे में आगे डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष में गति को क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे, ठीक है? पृथ्वी पर अपने अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है
जो कि कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी होती है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और इसके सामने आपका ये सूरज है, इसके सामने आपका ये सूरज है, तो इसकी रोशनी किस हिस्से में पड़ेगी? केवल आधे हिस्से में ही पड़ेगी। और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो कैसा रहेगा? वो अंधेरे में रहेगा। अंधेरे में रहेगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या रहेगी? यहाँ पे आपकी रात हो जाएगी। इस साइड आपकी रात हो जाएगी और इस साइड आपका दिन हो जाएगा, है ना? इस साइड आपका दिन रहेगा, तो इसलिए घूर्णन काल की वजह से दिन रात की हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो पृथ्वी पे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपका जिस आपकी पृथ्वी है और इसके आधे भाग पर अगर आपका दिन हो रहा है, आधे भाग पर रात हो रही है, तो ये जो वृत्त है जो इसको बीच में से काट रहा है, जिसे दिन और रात को विभक्त कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्रदीप्ति वृत्त। और ये घूर्णन के साथ रेगुलर परिवर्तित होता रहता है ना? यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, और इस डायग्राम को जरा अच्छे से देखिए। अब बात करें एक ग्लास की, तो देखो ग्लास की बात करें तो हम यहाँ पर एक ग्लास बनाते हैं, और यह हम ग्लास की बात करें, एक ग्लास को मैंने ऐसे रखा और इसके अंदर पानी भर दिया। पानी भर दिया तो हमने देखा पानी ऐसे ही तो रहेगा, सीधा रहेगा पानी, चाहे ग्लास को आप कितना ही टेढ़ा कर दीजिए तो पानी तो ग्रेविटेशन की वजह से ऐसे ही रहेगा। इसको मैं अगर बिल्कुल टेढ़ा कर दूँ तब भी पानी कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। और इसको मैं सीधा कर दूँ ग्लास को तो क्या होगा? पानी फिर भी ऐसा रहेगा, है ना? तो ऐसी कंडीशन में इसी तरीके से ये कुछ इसी प्रकार का भाग है। जब पृथ्वी के समतल कक्ष की बात करें, कक्षीय समतल की बात करें, तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ये अगर पृथ्वी का झुकाव किस साइड है, ये हल्का सा इस साइड की तरफ, ये जो हिस्सा है ये करीबन इतना झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव सामान्य तौर पर अगर अगर ये अपने बिल्कुल सीधी होती तो आपका उत्तरी ध्रुव इस जगह पे होना चाहिए था, लेकिन है कहाँ पे? यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये कितना झुकी हुई है? ये अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर इसी बात को कहें कि कक्षीय समतल पे जो लंब है उससे कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आपका 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। और ये जो हल्का सा जो इसका तिरछापन है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब प्रदीप्ति काल की बात करें तो देखो ये पृथ्वी यहाँ पे क्या है, ध्रुव है इसके, और ये कैसे घूम रही है? इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से ये घूम रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये प्रदीप्ति वृत्त जो बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये प्रदीप्ति वृत्त है। तो प्रदीप्ति वृत्त के इस साइड में क्या होगी? इस साइड में आपकी रात होगी और इस साइड में आपका दिन होगा। इस साइड में आपका क्या होगा? दिन होगा। और जैसे जैसे ये घूमती जाएगी वैसे वैसे इसका दिखता जाएगा ये। तो ऐसी कंडीशन में अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ देखो यहाँ तक तो ये पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है सूरज की, है ना? लेकिन इसके आगे फिर तिरछी पड़ने लग जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों पे तो ना के बराबर पड़ती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उसमें 6 माह तक क्षितिज जैसी अवस्था बनी रहती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे
उगता या छिपता हुआ सूरज हमें हमेशा दिखाई देता है ना। और बड़े कमाल की जगह ऐसा लगता है, 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात मानी जाती है यहाँ पे। 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि 6 महीने तक पृथ्वी का जो झुकाव है वो इस साइड रहेगा और 6 महीने तक दूसरी साइड में। जब आप इसके परिक्रमण काल और घूर्णन काल में कॉम्बिनेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों रहता है, वो भी हम इसी चैप्टर में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। देखो पृथ्वी पूरी तरीके से गोल तो नहीं है, वो जियोइड है जिसको भूआब स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, बट वो लगभग लगभग गोल ही मानी जाती है और अपने अक्ष पर ये घूर्णन करती है। ये हमारे जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी थे उन्होंने बहुत समय पहले ही बता दिया था। आगे पढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर घूर्णन नहीं होगा तो एक साइड में हमेशा दिन रहेगा और एक साइड में क्या रहेगी? हमेशा रात रहेगी। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी, और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे परिक्रमण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 दिन और 128 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और यही कारण है कि हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 1/4 दिन यानी 6 घंटे का जो समय है उसको हर चौथे साल में इकट्ठा करके एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो हमारे 365 दिन होते हैं 3 साल तक, और चौथी साल हमारा क्या हो जाता है? 366 दिन का वर्ष हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। चलिए बात करें इस डायग्राम के बारे में। तो इस डायग्राम में ये देखो, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम भी है और ये हमारे लिए हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझने में मदद करेगा जब हम आगे चल कर मानसून के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मौसम संबंधी बहुत सारी तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो हमें ये उन चीज़ों को समझने में बहुत सहजता प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, ना केवल इस चैप्टर के लिए बल्कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट को समझने के लिए भी। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो पहली बात तो इन शब्दों पर बहुत ध्यान करिएगा, विषुव, और ये भी क्या है? विषुव। विषुव मतलब आपकी इस स्थिति में कब? 21 मार्च और 23 सितंबर इस समय क्या हो रहा होता है? इस समय विषुवत रेखा पर आपकी सूरज की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं। अब सूरज की किरणें सीधे विषुवत रेखा यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे पड़ेंगी तो ऐसा क्या होगा? इस वक्त बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी। बैलेंस्ड कंडीशन यानी विषुवत रेखा यानी उष्ण कटिबंध में इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होगी, साथ में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की जगह पे क्या हो जाता है? समांतर और बैलेंस्ड कंडीशन हो जाती है। तो दिन रात यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दिन और रात का जो समय होगा वो बराबर हो जाएंगे, और यही कंडीशन क्या होगी? 23 सितंबर वाली स्थिति में भी होगी। लेकिन ऋतुओं में यहाँ अंतर होगा। क्या? आपके जो 21 मार्च की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ वसंत ऋतु देखने को मिलेगी, जबकि आपके दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु देखने को मिलेगी। फिर बात करें आपके 23 सितंबर की, तो यहाँ पर आपके उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु देखने को मिलेगी इसके विपरीत, और आपके यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु देखने को मिलेगी, है ना। और ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पे क्या हो गया? आपने दो चीज देखी, एक तो ये क्या है, दोनों ही स्थितियां क्या है? विषुव है, और यहाँ पर सूरज के सबसे ज्यादा नजदीकी अवस्था होगी पृथ्वी की। ये बात भी आपको ध्यान से रखिएगा। देखो आपका दीर्घवृत्ताकार पथ है ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार पथ है ये, और दीर्घवृत्ताकार पथ में कभी सूरज के बहुत ज्यादा निकट होती है पृथ्वी और कभी काफी दूर होती है। तो ऐसी अवस्था में ये जो स्थिति होगी इसमें सूरज के बहुत निकटता इसमें दिखाई देती है, और इस वक्त आपके पास विषुवत रेखा पर इसकी सीधी रोशनी भी पड़ रही होती, तो इस वक्त विषुवत रेखा पर
बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसीलिए पनपता है ना। दिन रात यहाँ बराबर होते हैं, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है ना। और ऋतु आपको याद हो गई होंगी। अब बात करें उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत के बारे में। उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत के बारे में, तो उत्तर अयनांत का जो समय है वो 21 जून की मिड में आता है, और दक्षिण अयनांत का मिड टाइम क्या है, 22 दिसंबर के आसपास का है। तो 21 जून को ऐसा क्या होता है, तो 21 जून को आपकी सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं। कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा बच्चों, जो आपका जो कर्क रेखा से लेकर और विषुवत रेखा तक का भाग है, यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीधी किरणें देखने को मिलती हैं इस टाइमिंग के अंदर, है ना। और ऐसी अवस्था में आपके उत्तरी गोलार्ध में क्या आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि सीधी किरणें मिलेंगी तो यहाँ पे क्या है, गर्मी बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिल रही होंगी, तो वहां पर क्या हो जाएगी, आपकी गर्मी नहीं रहेगी, वहां पे क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगी। इसके विपरीत बात करें दक्षिण अयनांत में, जो 22 दिसंबर के समय के आसपास का समय होता है, तो वहां पे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा पर अब सीधी किरणें नहीं पड़ रही हैं, बल्कि अब कहाँ पड़ रही हैं, अब मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में आपकी ज्यादा सीधी किरणें सूरज की प्राप्त होंगी। तो इस क्षेत्र में आपकी क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी और ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी उत्तरी गोलार्ध में यही शीत ऋतु हो जाएगी। तो बहुत सहज है ये डायग्राम, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी आपके इसी चैप्टर में दिया हुआ है, आपकी क्रिसमस का। आप इसी डायग्राम को, एक्चुअल में डायग्राम में जो उदाहरण है उसको हम यहाँ पर ही समझने का प्रयास करते हैं, उसका रीजन है, उससे आपको समझ में आएगी चीजें कितनी प्रकार बदल जाती हैं। देखो, हम क्रिसमस का जो दिन है वो कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं, और 25 दिसंबर कब आता है, आपके ठंड के समय में आता है, यानी शीत ऋतु के समय में आता है, लेकिन 25 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर के पास वाला समय। तो ऐसी स्थिति में हम कब मना रहे होते हैं, शीत ऋतु में अपने क्रिसमस डे को मना रहे होते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, आपके दक्षिण गोलार्ध क्षेत्र में पड़ता है, तो वो अपना जो 25 दिसंबर का जो त्योहार है, क्रिसमस है, फेस्टिवल है, उसको कब मनाता है, अपने ग्रीष्म ऋतु में मनाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार पृथ्वी के अंदर ही, पृथ्वी के ऊपर ही अलग अलग परिस्थितियां इसकी वजह से जनरेट हो जाती हैं, जो आपके परिक्रमण काल और घूर्णन काल की वजह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। फरवरी माह में हमने देखा था कि 28 दिन की जगह 29 दिन का महीना हो जाता है, और हमें क्या करना था, 365 दिन का जो साल था उसको हर चौथे साल में क्या कर दिया हमने, चौथाई चौथाई यानी 6-6 घंटे बढ़ा के चौथे साल में हमने एक दिन बढ़ा दिया, और इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखें। ये एक एक्टिविटी है, उसके आगे हम देखते हैं, हमारे काम की इतनी ज्यादा नहीं है। तो चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है ना। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है,
और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांश कहते हैं। ठीक है, ये सब जब हम डायग्राम देख रहे थे तो ये सब उसी का डिस्क्रिप्शन है। उस चीज को आप यहाँ इसको पढ़ते हुए या फिर आप उसको बना लीजिए, उसको एक बार अपने हाथ से बनाकर जरूर देखिएगा और उसको बनाकर याद करिएगा ताकि आपको ये चीजें याद रहें। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं। इसके ठीक विपरीत दक्षिण स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतुओं में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जिसके बारे में हमने अभी एग्जाम्पल में भी चर्चा की थी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? शरद ऋतु होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। अब करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों की बात। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो अक्ष के झुकाव का कोण क्या होगा बेटा आपका? तो वो आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, वो समतल से है ना, और आपके लंब से वो 33.5 डिग्री का झुकाव बनाती है। तो किससे पूछा गया है वो आप देख लीजिए। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन क्या है? अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। और परिक्रमण क्या है? सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाती है पृथ्वी, उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। अब आपका घूर्णन 24 घंटे यानी एक दिन का होता है और आपका जो परिक्रमा है वो आपकी एक वर्ष की होती है। ठीक है, लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष आपके जो घूर्णन परिक्रमण काल है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। 365 दिन और 6 घंटे का मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके घंटों को हर चौथे साल में जोड़कर एक दिन बढ़ा देते हैं। तो लीप ईयर में क्या हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं, जिसमें फरवरी का जो 28 दिन का महीना होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा लगा के हम 29 दिन का महीना उसको बना देते हैं और उसको 366 दिन का लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांत में अंतर बताइए। तो ये आप एक बार डायग्राम से देख लीजिएगा। विषुव क्या है? विषुव वो है जब आपकी सूर्य की किरणें आपके सीधी पड़ती हैं। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर, इसलिए इसको विषुव कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर की बात करें तो उत्तर में उस वक्त कर्क रेखा पर ज्यादा पड़ रही होती है, दक्षिण अयनांत में दक्षिण यानी मकर रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं। विषुव में क्या होगा? विषुव में आपकी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं और उसकी वजह से मौसम में जो परिवर्तन है उसके बारे में आप चर्चा कर ही चुके हैं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से झुकी हुई है। इस वजह से ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण भी यही है ना। पृथ्वी के सूर्य के चारों की गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के जो गति है वैसी परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण कहा जाएगा। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो विषुव के समय पड़ती हैं। और ये 21 जून और 22 दिसंबर, ये तो आपका एक ये तो उत्तर अयनांत और ये दक्षिण अयनांत का समय है। तो ये क्या है? ये विषुव है। तो आपका जो सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेंगी? 21 मार्च को पड़ेंगी। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जापान और भारत, ये तो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर तो क्रिसमस के समय क्या होती है? शीत ऋतु होती है। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है और वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है क्रिसमस के समय पे। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो देखो, परिक्रमण के कारण वहां पर ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक लीप ईयर में कितने दिनों की संख्या होती है? दिनों की संख्या क्या होती है? 366 दिन होते हैं।
पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो आपकी घूर्णन गति जो है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है, प्रतिदिन होने वाली गति कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षा में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। आपको याद रहेगा 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को क्या होता है? उत्तरायणांत होता है। तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही होती हैं उस पर। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं बच्चों। ठीक है, शीत ऋतु में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं बेटा, है ना। और ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में दिन आपके सबसे छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका जो सूर्य की किरणें अपोजिट साइड में, अगर आप मकर रेखा की तरफ हैं तो कर्क रेखा पर उस वक्त सीधी पड़ रही होती हैं, और जब शीत ऋतु होती है तो अपोजिट उसमें पड़ रही होती है। और अगर आप मकर रेखा की तरफ हैं तो कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो और कर्क रेखा की तरफ रहने वाले हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले हैं, तो उस वक्त मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पे क्या होगा? शीत ऋतु होगी, और शीत ऋतु में दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।